हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू स्टडी विद हर्षित टुडे आई एम गोइंग टू शेयर विद यू कंप्लीट रिवीजन ऑफ यूनिट सिक्स सी प्रोग्रामिंग फ्रेंड्स और भी सभी यूनिट का कंप्लीट रिवीजन हमारे चैनल पर पोस्ट हो चुका है आप एक बार उसे भी जरूर चेक करें फाइल्स ए फाइल इज ए नेम कलेक्शन ऑफ रिलेटेड इंफॉर्मेशन दैट इज स्टोर्ड ऑन ए कंप्यूटर सेकेंडरी स्टोरेज सच एज ए हार्ड डिस्क और फ्लैश ड्राइव फाइल्स कैन बी ऑफ डिफरेंट टाइप सच एज टेक्स्ट इमेज ऑडियो और वीडियो फाइल फाइल किसको कहते हैं फाइल जो है एक कलेक्शन है रिलेटेड इंफॉर्मेशन का जो कि स्टोर होता है कंप्यूटर की सेकेंडरी स्टोरेज में जैसे कि हार्ड डिस्क और फ्लैश ड्राइव में अब कंटेंट किस टाइप का होता है जैसे कि टेक्स्ट हुआ इमेजेस हुईं ऑडियो हुआ या वीडियो फाइल्स हुई फाइल्स आर ए वी टू स्टोर एंड एक्सेस डेटा ऑन ए कंप्यूटर सेकेंडरी स्टोरेज ज ए हार्ड डिस्क और फ्रेश ड्राइव इन प्रोग्रामिंग फाइल कैन बी यूज टू स्टोर एंड रीड डेटा और टू कम्युनिकेट विद अदर प्रोग्राम ओपनिंग मोड्स ऑफ फाइल्स वैन ओपनिंग ए फाइल इन ए प्रोग्राम इट मस्ट बी ओपन इन ए स्पेसिफिक मोड दैट स्पेसिफाई हाउ द फाइल विल बी यूज द आर मोड ओपन द फाइल फॉर रीडिंग फ्रेंड्स जो फाइल होती है अगर प्रोग्राम में ओपन करी जाती है तो वो जो है स्पेसिफिक मोड में होती है और वो किस लिए आप उसको ओपन करना चाहते हैं वो आपको पहले ही मैंशन करना होता है जैसे कि आर मोड ओपन आर मोड से आप ओपन करेंगे तो वो सिर्फ रीड ओनली होगा उसमें आप कोई चेंज नहीं कर सकते द डब्ल्यू मोड ओपन द फाइल फॉर राइटिंग ओवर राइटिंग एनी एग्जिस्टिंग कंटेंट अगर आपको ओवर करना है एग्जिस्टिंग कंटेंट में कुछ भी राइट करना है तो आप डब्ल्यू मोड से ओपन करेंगे और अगर आपको जो है ओपन द फाइल फॉर एप एंड एडिंग न्यू कंटेंट अगर आपको कोई नया कंटेंट ऐड करना है तो आपको ए मोड से ओपन करना है द आर बी डब्ल्यू बी एंड ए बी मोड आर यूज फॉर रीडिंग एंड राइटिंग बाइनरी फाइल्स जैसे कि आर बी हुआ डब्ल्यू बी मोड हुआ ए बी मोड हुआ इनका यूज जो होता है रीडिंग और राइटिंग करने के लिए होता है बाइनरी फाइल्स को स्टैंडर्ड फंक्शंस स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट लाइब्रेरी एन सी प्रोवाइड ए सेट ऑफ फंक्शन फॉर वर्किंग विद फाइल एफ ओपन फंक्शन इज यूज टू ओपन ए फाइल एंड इट रिटर्न ए फाइल पॉइंटर दैट कैन बी यूज टू परफॉर्म इनपुट आउटपुट ऑपरेशन ऑन द फाइल फ्रेंड्स एफ ओपन फंक्शन का जो है यूज करा जाता है फाइल को ओपन करने के लिए एंड इट रिटर्न ए फाइल पॉइंटर एफ क्लोज फंक्शन इज यूज टू क्लोज ए फाइल व्हेन फिनिश्ड विद इट एफ क्लोज फंक्शन का यूज करके आप फाइल को जो है क्लोज कर सकते हैं एफ ई ओ एफ फंक्शन इज यूज टू चेक वेदर द एंड ऑफ ए फाइल हैज बीन रीच द एफ सीक फंक्शन इज यूज टू मूव द फाइल पॉइंटर टू ए स्पेसिफिक पोजिशन इन द फाइल द फाइल पॉइंटर टू द बिगिनिंग ऑफ द फाइल जैसे की फ्रेंड्स रिवाइंड फंक्शन का यूज करके आप जो है बिगनिंग में पहुंच सकते हैं जहाँ से वो फाइल स्टार्ट हुई थी और एफ सी फंक्शन के यूज करके आप जो है मूव द फाइल पॉइंटर टू ए स्पेसिफिक पोजिशन आप जो है फाइल प्वाइंटर को जो है स्पेसिफिक पोजिशन में फाइल में पहुंचा सकते हैं

इंसान जो है पढ़ सकें उन टेक्स्ट को जो कंटेन करते हैं एंड आर्टिपिकली यूज टू स्टोर डेटा इन ए प्लेन टेक्स्ट फॉर्मेट और इनका यूज जो होता है डेटा को प्लेन टेक्स्ट फॉर्मेट में स्टोर करने के लिए होता है द एफ गेट सी फंक्शन इज यूज टू रीड ए सिंगल कैरेक्टर फ्रॉम ए टेक्स्ट फाइल एफ गेट सी फंक्शन का यूज करके रीड ए सिंगल कैरेक्टर सिंगल कैरेक्टर को रीड करा जा सकता है फ्रॉम ए टेक्स्ट फाइल द एफ पुट सी फंक्शन इज यूज टू राइट ए सिंगल कैरेक्टर टू ए टेक्स्ट फाइल एफ पुट सी फंक्शन यूज होता है राइट करने के लिए सिंगल कैरेक्टर टू ए टेक्स्ट फाइल द एफ स्कैन फंक्शन इज यूज टू रीड फॉर्मेटेड इनपुट फ्रॉम ए टेक्सट फाइल कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स क्या होता है ए आर जी वी जीरो कंटेन द नेम ऑफ

स्पेसिफाई ऑप्शन और इनपुट डेटा फ्रॉम प्रोग्राम बिना किसी मॉडिफिकेशन के सोर्स कोड इन सी मेन फंक्शन कैन कमांड लाइन एच एक्सेप्टीटर ए आर जी वी एरे द ए आर जी सी पैरामीटर कंटेन द नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट पास इंक्लूडिंग द नेम ऑफ द प्रोग्राम इट सेल्फ फ्रेंड्स जो कि जो होता है ए आर जी सी पैरामीटर वो कंटेंट अपने में रखता है नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट पास्ट कितने आर्ग्यूमेंट पास हुए इंक्लूडिंग द नेम ऑफ द प्रोग्राम इट्स सेल आई होप फ्रेंड्स आप सभी को समझ में आया होगा इसी तरह की और वीडियोस के लिए आप हमारी यूट्यूब चैनल स्टडी विद हर्षित को सब्सक्राइब करें थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो